हेलो दोस्तों, अगर आप दुकानदार हैं या ग्राहक हैं तो आपके लिए इस तरह का वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से रेट पूछ लेते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि 20 ग्राम का दाम कितना होगा या 10 ग्राम का दाम कितना होगा या 25 ग्राम का दाम कितना होगा, वह आपको पता नहीं होता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 10 ग्राम 20 ग्राम के रेट कैसे निकालते हैं इसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ निकाला क्या है कि दाल का मूल्य निकालना है। देखो, यहाँ क्वेश्चन है कि यदि 1 केजी दाल का मूल्य 75 रुपया है तो 20 ग्राम का दाम क्या होगा। 20 ग्राम का दाम निकालना है। तो देखिए, यहाँ 1 केजी दाल का मूल्य कितना दिया है, 75 रुपया। यहाँ पहले लिख लेंगे हम हल। देखिए, यहाँ 1 केजी जो है, 1 केजी दाल, 1 केजी दाल का मूल्य कितना दिया है, 1 केजी दाल का जो मूल्य दिया है वह दिया है 75 रुपया। 75 रुपया दिया है। देखिए, तो हमको यह पता है 1 केजी दाल का मूल्य 75 रुपया है। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 केजी जो बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। यह आप लोग याद रखिएगा, 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 केजी के जगह पर 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम दाल का मूल्य। 1000 ग्राम दाल का मूल्य कितना रुपया है, 75 रुपया। 75 रुपया हो गया। तो इसमें हम निकालेंगे 1 ग्राम दाल का मूल्य। 1 ग्राम दाल का मूल्य, दाल का मूल्य यहां भी क्या हो जाएगा, देखो यहां 1000 ग्राम दाल का मूल्य 75 रुपया, तो 1 ग्राम दाल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 75 और बटा में कितना आएगा, 1000, इतना रुपया हो जाएगा। तो हमको निकालना कितना का है, 20 ग्राम का निकालेगा, तो 1 ग्राम का निकल गया। 1 ग्राम दाल का मूल्य कितना, 75 बटा 1000, इतना रुपया हुआ। तो निकालना है 20 ग्राम का, तो यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे हम 20 ग्राम, 20 ग्राम दाल का मूल्य। देखो, तो 20 ग्राम दाल का मूल्य निकालना है। देखो, तो 1 ग्राम का इतना हुआ, तो 20 ग्राम में कितना होगा, तो 75 बटा में लिख लेंगे यहाँ 1000, और गुने गुना कर देंगे हम 20 से। अब इसको काटेंगे, देखो यह 0 से यह 0 कट गया, और 75 दूना कितना होता है, 75 दूना होता है 150। तो यहाँ पर सीधा लिख लेंगे हम 150, 150 बटा में कितना हो जाएगा, 100, यह हो जाएगा। अब देखिए, 1 0 से यह 1 0 कट गया। अब देखिए, इसको काटेंगे हम तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कितना हो गया, या 3/2, 3/2 रुपया हुआ। 3/2 रुपया को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 रुपया को हम लिख सकते हैं 1.5 रुपया। यहाँ पर सीधा हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1.5 रुपया, यानी 3/2 रुपया को हम 3 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 रुपया आएगा, यानी 20 ग्राम का जो दाम होगा वह 1.5 रुपया होगा। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 1 केजी दाल का मूल्य 120 रुपया है तो 18 रुपया में कितना दाल मिलेगा। इससे पहले हम बताए थे कि 1 केजी दाल का मूल्य था उसमें ग्राम निकाला था, इसमें 18 रुपया में कितना दाल मिलेगा वह निकालना है, इसमें रुपया में निकालना है। देखिए, यहाँ पहले लिख लेंगे हम हल। देखिए, यहाँ कहता है 1 केजी दाल का मूल्य 120 रुपया है, यानी जो है 120 रुपया में, 120 रुपया में 1 केजी, 120 रुपया में कितना मिलता है, 120 रुपया में 1 केजी दाल, 1 केजी दाल मिलता है 120 रुपया में, 1 केजी दाल मिलता है, तो कहता है 18 रुपया में कितना मिलेगा।
देखो तो ये 1 kg बराबर कितना होता है वह यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर इसमें 1 kg जो बराबर होता है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। यहाँ पर देखिए 120 रुपया में, 120 रुपया में कितना मिल रहा है 1000 ग्राम मिल रहा है। 120 रुपया में जो मिल रहा है वो 1000 ग्राम मिल रहा है, तो कहता है 18 रुपया में कितना दाल मिलेगा। तो 120 रुपया में 1000 ग्राम, तो पहले हम निकालते हैं 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना मिलेगा। तो 1 रुपया में, तो यहाँ 1000 बटा में क्या करेंगे हम 120, यानी इतना ग्राम मिलेगा। यह 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1000 बटा हो जाएगा 120। तो हमको निकालना है कितना 18 रुपया में कितना मिलेगा। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो पहले 1 रुपया पर निकालते हैं, फिर 18 रुपया पर। तो 18 रुपया में कितना मिलेगा, तो यहाँ 1020, 1000 बटा 120 अगुण्य हो जाएगा 18, क्योंकि 1 रुपया में जब इतना ग्राम मिल रहा है तो 18 रुपया में कितना मिलेगा, तो 18 से इसमें हम गुना कर देंगे। अब इसको देखो, 0 से यह 0 कट जाएगा, इसको हम काटेंगे तब देखो 2 से 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 तिरी 18। फिर इसको हम काट देंगे 2 से, 2 से यह कितना बार में कटेगा 50 बार में, 50 दूना 100, तो कितना का 50 या 150, यानी 150 ग्राम। देखिए तुमको 18 रुपया में जो मिलेगा 150 ग्राम दाल मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।